क्रिस्त में मसीही माता पिता भाइयों और बहनों, हमारे मन में विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में सवाल उत्पन्न होते हैं। कभी कभी हम उन सवालों का जवाब ढूंढ निकालते हैं तो कभी कभी हमें सवालों का जवाब नहीं मिलते हैं। पर हमारे जीवन यात्रा में हमारे प्रति लोग क्या सोचते हैं, हमारे प्रति उनका राय क्या है, ये सब हम जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। और हम सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर क्या अच्छी अच्छी गुण है जिसको लोग जानते हैं। आज इस पवित्र दिन में हम प्रभु यीशु मसीह का उस प्रसंग से अपरिचित नहीं है, उस सवाल से हम वंचित नहीं हैं। हमें भी वे सवाल कर रहे हैं कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु शिष्यों की परीक्षा लेते हैं। वे जानना चाहते हैं कि शिष्यों ने इतने वर्ष उनके साथ रहते समय क्या सीखा, क्या समझा और क्या अनुभव किया। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूं, इस विषय में लोग क्या कहते हैं। यीशु ख्रीस्त के साथ रहते समय अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर प्रभु यीशु के बारे में लोग कुछ ना कुछ बोले हैं। जैसे फरीसियों ने उन्हें बढ़ई का बेटा कहा, समारी स्त्री ने उन्हें नबी कहा, निकोदिमोस ने उन्हें गुरु तथा इस्राएल का राजा कहा और धनी नौजवान ने उसे अच्छे गुरु कहा। इस प्रकार अलग अलग लोगों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किए हैं। आज प्रभु यीशु हमसे भी व्यक्तिगत प्रश्न करते हैं कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। हम सब इस प्रश्न का जवाब अपने ख्रिस्तीय जीवन के अनुभव के द्वारा ही दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में यीशु को करीबी से अनुभव नहीं किया है तो उसके लिए इस प्रश्न का जवाब देना असंभव है। करीबी से अनुभव करने वाले पेत्रुस की तरह बोल उठेंगे, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। माता पिता भाइयों और बहनों, यीशु पेत्रुस से कहते हैं, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो क्योंकि किसी नीरे मनुष्य नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। इसका यह मतलब है कि जब तक ईश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं तब तक हम उन्हें नहीं जान सकते और उनका अनुभव नहीं कर सकते हैं। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 वचन संख्या 33 से 34 में वचन कहता है, कितना अगध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध है उनके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उनके मन, प्रभु का मन कौन जान सकता है। हालांकि हम ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं और उसके आधार पर उनके विषय में कुछ ना कुछ कह सकते हैं। वह सब ज्ञान गहरा नहीं हो सकता जब तक ईश्वर स्वयं अपने आप को हमारे लिए प्रकट करने की कृपा ना करे। ईश्वर को प्यार करने वालों को और उन्हें उनके समक्ष बच्चों जैसा बनने वालों के सामने ईश्वर ने अपने आप को प्रकट करते हैं। इससे हम यह समझ सकते हैं कि हम अपने दिमाग से ईश्वर का पक्का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें ईश्वरीय ज्ञान के लिए ईश्वर से वरदान चाहिए। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 6 में प्रभु का वचन कहता है, पुत्र
यदि तुम मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनोगे और सत्य में मन लगाओगे, यदि तुम विवेक की शरण लोगे और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, यदि तुम उसे चांदी की तरह ढूंढते रहोगे और खजाना खोजने वालों की तरह उसके लिए खुदाई करोगे, तो तुम प्रभु भक्ति का मर्म समझोगे और तुम्हें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि प्रभु ही प्रजा प्राज्ञा प्रदान करता है और ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है। प्रभु हमसे भी यह जानना चाहते हैं कि वे हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या स्थान रखते हैं। हमें यह ज्ञात है कि दुनिया में कई लोग प्रभु यीशु को एक महान व्यक्ति मानते हैं, लेकिन ये सब लोग उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन का मुक्तिदाता या मसीहा नहीं मानते हैं। ईश्वर के आत्मा ही हमें प्रभु को पहचानने और स्वीकार करने में मदद कर सकते हैं। आइए हम प्रभु को अपने व्यक्तिगत जीवन का स्वामी मानकर उन्हें हृदय से स्वीकार करें, क्योंकि वे ही सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य हैं।